और आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बात बंग की जंग की, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मेगा रैली को संबोधित करेंगे। मेदिनीपुर जिले के कांती में पीएम की जनसभा होगी। सुबह 11 बजे रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बंगाल में आज प्रधानमंत्री की बड़ी रैली होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पश्चिमी मेदिनीपुर के कांती में प्रधानमंत्री की जनसभा होगी। तैयारियां पूरी हैं, कार्यकर्ताओं में जोश, वहां के स्थानीय लोगों में उत्साह साफ नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई है, एक अलग ही तस्वीर बंगाल में देखने को मिली है। और आज मेदिनीपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक बड़ा संदेश देगी। मोदी की हुंकार से टीएमसी में हाहाकार। सुन लिया दीदी, रैलियों का रण, मोदी का विजय प्रण। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार की अवधि खत्म हो रही है, वैसे वैसे राज्य का चुनावी पारा उफान पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर बंगाल और फिर असम चुनाव के लिए हुंकार भरेंगे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जिले के कांथी में सुबह 11 बजे पीएम मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो असम जाएंगे, जहां करीब 3 बजे बिहपुरिया में जनसभा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी सिपझार में शाम करीब 5:15 बजे रैली करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पीएम की यह रैली बंगाल चुनाव का गेम चेंजर साबित होगी। दूसरी तरफ अधिकारी परिवार के दिव्येंदु अधिकारी पर भी सभी की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि तमलुक लोकसभा सीट से टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी पीएम के साथ मंच साझा कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी को बीजेपी की तरफ से निमंत्रण मिला है, लेकिन इस मसले पर अभी तक उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है। कांथी लोकसभा सीट का नंदीग्राम से खास कनेक्शन है। कांथी से सुशील अधिकारी सांसद हैं। यहां पर पीएम मोदी अपनी रैली में एक साथ कई निशाने साधेंगे। 2 महीने के दौरान पीएम मोदी की 8वीं बंगाल यात्रा होगी। इससे पहले पीएम ने 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान, 18 मार्च को पुरुलिया, 20 को खड़गपुर और 21 को बांकुड़ा में रैली की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल में तेज हुई किंग और किंग मेकर की लड़ाई। सीएम ममता बनर्जी की बांकुड़ा जिले में आज 3 रैलियां होने जा रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त। दोपहर 12:30 बजे बिशुनपुर में ममता बनर्जी रैली करेंगी। बांकुड़ा के ओंदा ग्राम में दोपहर 2 बजे दीदी की रैली होगी। तो 3 बजे का वक्त जब होगा तो बांकुड़ा मुख्यालय में उनकी जनसभा होनी है। यानी कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रही हैं। और ऐसे में हम कह रहे हैं कि मोदी दादा वर्सेज ममता दीदी का ये मुकाबला आज देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और रैली होगी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी दहाड़ती हुई नजर आएंगी। मोदी दादा वर्सेज ममता दीदी की बंगाल में लड़ाई की तस्वीर। मोदी दादा वर्सेस ममता दीदी, बंग की जंग में सबसे बड़ी फाइट। मोदी की एंट्री से घबराई दीदी की सेना। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में किसकी होगी सत्ता और कौन बनेगा किंग मेकर, इसकी भी लड़ाई तेज हो गई है। वहीं सुबह की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भी बांकुड़ा जिले में 3 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 12:30 बजे बिशुनपुर में रैली करेंगी। इसके बाद वो ओंदा ग्राम में दोपहर 2 बजे रैली करेंगी और आज दोपहर 3 बजे वो बांकुड़ा में रैली करेंगी। बीजेपी ভাবছিলো মমতা তো পায়ে মেরেছি আমরা, ওকে তো চোট করে দিয়েছি, ও তো বেরোতে পারবে না, আমাকে তো চেনে না, আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না, ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেব। पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब महज 48 घंटे से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में दिग्गज नेता जनता से वोट मांगने के लिए एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। 27 मार्च को सूबे में होने वाले पहले चरण के मतदान से पहले सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो आज बंगाल चुनाव की बिग फाइट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उससे जुड़ी पांच ये तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल गए, बड़ा जनसैलाब, बड़ा लोगों का हुजूम वहां पर देखने को मिला। 7 मार्च की रैली कोलकाता की आपको याद होगी। इसके अलावा 18 मार्च को पुरुलिया पहुंचे तो बड़ा जनसैलाब वहां पर भी देखने को मिला। 20 मार्च को खड़गपुर और 21 मार्च को बांकुड़ा। और आज की रैली की तस्वीरें इससे ज्यादा बड़ी होगी, ऐसा दावा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कांथी में रैली करेंगे। उससे पहले जो 4 रैली हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री की हुई, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान होने के बाद उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, और बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप सामने आ रहा है। बाहर से गुंडे लाकर वोट पर कब्जे की साजिश हो रही है, ममता बनर्जी इस बात को कह रही है। पैसे देकर लोगों से वोट खरीदने की साजिश हो रही है, ममता के बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने पलटवार किया। ममता खुद बांग्लादेश से बुलवाती हैं प्रचारक, एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। एक और जहां पर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं कि बाहर से लोगों को लाकर यहां वोट खरीदने की साजिश हो रही है। दीदी को बाहरी दिखते हैं, घुसपैठिए नहीं। दीदी समझिए, बाहरी तो घुसपैठिए हैं। देश के लोगों को दुत्कार, घुसपैठियों को प्यार। बंगाल चुनाव में मुद्दों का शोर गूंज रहा है। दीदी ने ऐसा ही एक मुद्दा उछाल रखा है, बाहरी बनाम बंगाली का। दीदी पीएम मोदी और अमित शाह को बाहरी बताकर बंगाल से बीजेपी को वोट न देने की अपील कर रही है। वो आरोप लगा रही है कि बीजेपी बाहर से लोगों को लाकर वोटों पर कब्जे की साजिश कर रही है। इलेक्शन है माने गाये जुड़े इलेक्शन होवे, लूट कोड़ा होवे, रेले कोड़े गुंडा नहीं आशा होवे, सही गुंडा रेल स्टेशन में थाकवे, इलेक्शन एक दिन इलाका डूबे एवं जोर कोड़े इलेक्शन दखल करवे। बहिरागत गुंडा दिए हमरा इलेक्शन करते देव ना। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों से लोगों को बंगाल में लाकर उनके जरिए पैसे बांटकर लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील करवा रही है। ममता लोगों से कह रही हैं कि वो बीजेपी के इस झांसे में ना आए। बाहर गुंडा देख ले, हिंदी ते कथा बोल ले से, किंतु बाहर एखानकार लोक नय। हिंदी भाषी जरा हमारे देशर लोक, हमारे बांगलार लोक, हमारा तादेर सम्मान सम्मान करब, किंतु बहिरागत गुंडा দেখবেন পাঞ্চি বাচ্চে না, পান বাহার খাচ্ছে, মুখ দিয়ে লাল লাল করে গড়ছে, আর মাথায় তিলক টেকে বলছে নিকাল যাও, বাহার যাও, বিজেপি কো ভোট দো। মমতা অলগ অলগ মঞ্চো সে বঙ্গাল কি লড়াই কো বাহারি বনাম বঙ্গালি বনানে পর তুলি হ্যায়, লেকিন ও খুদ ইয়ে ভুল রহি হ্যায় কি জিস ভোট ব্যাংক কে দম পর ও সত্তা মে আই হ্যায় ও ঘুসপ্যাঠিয়ো কা হি ভোট ব্যাংক হ্যায়, জিনকা ইস মুলক সে কোই তাল্লুক হি নাহি হ্যায়, জো বাহার সে আয়ে অর বঙ্গাল মে আকার বস গয়ে, ও বাহারি হ্যায়। लेकिन दीदी उनकी बात नहीं करेंगी, क्योंकि वो ऐसा करेंगी तो चुनाव में उनके साथ खेला होने का डर है। तो इलेक्शन कम से कौन बाहर है, उसको नाम बोलना तो चाहिए। भारत का बाहर से तो लोग नहीं आया, ये तो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में बांग्लादेश से फिरोज को लाया था कैंपेनिंग के लिए। रोहिंगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों दामाद है, और गुजरात उत्तर प्रदेश दिल्ली से आया लोग घुसपैठिया है। दीदी अपने वोट बैंक की खातिर बंगाल की संस्कृति और विकास के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, लेकिन वो ये भूल रही हैं कि अब बंगाल जाग चुका है और उनका खेल भी समझ चुका है, इसीलिए इस बार बंगाल में परिवर्तन की बयार साफ साफ दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए आपको बंगाल के संग्राम की 3 तस्वीरें आज दिखाते हैं कि आज किस तरीके की तस्वीरें आप बंगाल में देखेंगे। पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ममता बनर्जी की रैली होनी है। और तीसरी तस्वीर नुसरत जहां भी आज मैदान में होंगी टीएमसी के पक्ष में। तो तमाम दिग्गज हर राजनीतिक पार्टी के इस बार जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कांथी में ऐतिहासिक और भव्य होगी, इसका दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। बांकुड़ा में ममता बनर्जी जनसभा को संबोधित करेंगी, अपने चित परिचित अंदाज में वो क्या कहती हैं देखने वाली बात। इधर खड़गपुर में नुसरत जहां का रोड शो टीएमसी के प्रत्याशी के लिए होना है, कहा जा रहा है जिस सीट पर नुसरत जहां आज टीएमसी के प्रत्याशी के लिए रोड शो करेंगी वहां आईएस बनाम आईएस का ही मुकाबला है। तो बंगाल के सुपर संग्राम की हर एक तस्वीर से हिंदुस्तान सबसे पहले ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।